प्रेगनेंसी का छठा हफ्ता मतलब प्रेगनेंसी की शुरुआत है। प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में शिशु का औसत आकार 5 से 6 मिलीमीटर तक होता है। अभी शिशु का सिर बाकी शरीर की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। अभी गर्भवती महिला की कोख में जो गतिविधियाँ चल रही हैं वह केवल गर्भवती महिला को पता है, बाकी आपको कोई देखकर नहीं बता पाएगा कि अभी आप गर्भवती हैं। प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में शिशु एक नन्हे टेडपोल जैसा दिखाई पड़ रहा है। टेडपोल का मतलब होता है मेंढक का बच्चा। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में शिशु एक टेडपोल की तरह दिखाई पड़ता है और छठे हफ्ते में शिशु की दिल की धड़कन जो है वो बन चुकी है। और प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में वजाइनल अल्ट्रासाउंड के जरिए शिशु की दिल की धड़कन को सुना जा सकता है। इस समय शिशु के तालू का निर्माण होना शुरू हो चुका है, साथ ही साथ शिशु के लीवर, किडनी, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी अपने स्थान बना रहे हैं। प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में गर्भवती महिला को उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, जी घबराने का मन कर सकता है, साथ ही साथ गर्भवती महिला को इस समय ज़्यादा थकावट महसूस होगी क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के दौरान बनना शुरू हो चुका है। इस वक्त गर्भवती महिला के स्तन और निप्पल जो हैं ज़्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। इसके अलावा स्तनों की शिराओं में हल्का नीला रंग हो सकता है। अभी निप्पल जो हैं गहरे रंग यानी कि काले रंग के हो सकते हैं और प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में गर्भवती महिला को वजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो सकता है जो कि एक सामान्य बात है। बहुत सारी गर्भवती महिलाएं वजाइनल डिस्चार्ज को देकर घबरा जाती हैं। उनको लगता है कि वाइट डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत वाली बात है, कोई समस्या है। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ ये बिल्कुल सामान्य है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी हो सकता है कि ये डिस्चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाए, लेकिन यहाँ पे एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर इस डिस्चार्ज के साथ बदबू आती है, ब्लीडिंग आती है, ये पिंक कलर का आता है तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिला के मुंह में ज़्यादा थूक बनना महसूस होगा जिसके कारण गर्भवती महिला को बार बार थूक निकलना पड़ सकता है जो कि सामान्य बात है। कुछ गर्भवती महिलाओं को छठे हफ्ते के दौरान सिर दर्द की शिकायत भी रह सकती है। याद रखें अगर आपको हल्का सिर दर्द है तो आपको डॉक्टर के बिना कोई दवाई नहीं लेनी। कहने का मतलब है क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी है, एक ऐसा नाजुक समय है कि जिसमें कोई भी गलती आपके शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकती है क्योंकि इस समय मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने ऐसी कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी। इसके अलावा गर्भवती महिला का आधा से एक किलो वजन कम हो सकता है जिसका कारण है उल्टी आना, क्योंकि गर्भवती महिला को शुरुआत में भूख कम लगती है, उल्टी आती है, दिल घबराता है, जिसके कारण जो कुछ भी खाती है वह उल्टी के जरिए बाहर आ जाता है जिसके कारण वजन कम हो सकता है। प्रेगनेंसी का छठा हफ्ता वह समय है जब गर्भवती महिला को ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ सड़कों से गुजरने से परहेज करना चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मिसकैरेज के चांसेस हैं जो कि आपको आपके डॉक्टर बता देंगे तो आपको डॉक्टर के बताए अनुसार बेड रेस्ट करनी है और डॉक्टर की दी गई दवाइयों का सेवन करना है टाइम पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और कोशिश करता हूँ आपके हर सवाल के जवाब देने की। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहेगा।